हम भी निकले हैं उस गांव की ओर, जहां की हवाओं में, जहां की फिजाओं में, जहां की मिट्टी में, जहां की सड़कों पर शहादत ही शहादत है। आज हम उन खेतों से पूछेंगे शहादत की कहानी, जिन्होंने अपने भगत को शहीद आजम बनते देखा था। आज हम पूछेंगे सतलुज की उन धाराओं से, जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की चिताओं की गर्मी महसूस की थी। आज हम उन दरख्तों, उन परिंदों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने उन शहीदों को आजादी का गीत गाते सुना था। लहलहाते फसलों के बीच से गुजरते हुए हम चले जा रहे थे कि अचानक फिजाओं में गूंजती रंग दे बसंती की धुन ने बता दिया कि शहीदों का गांव आ गया। फिरोजपुर के हुसैनी वाला की ये वही जगह है जहां शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। ये जमीन कितनी ऊर्जावान है, इस जमीन के भीतर कितनी शक्ति है, यहाँ पर आके पता चलता है। और ये शहीदों की समाधि है, ये शहीदों की समाधि इस देश का, इस मुल्क का ही नहीं बल्कि हम ये कहें इस दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। और यहाँ पर आकर के ये महसूस होता है कि इन शहीदों ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का कोई मोल नहीं है। और इस समाधि पर हाथ रखने के बाद ये भी महसूस होता है कि जैसे पूरे शरीर में विचारों की एक लौ जल उठी हो और ख्यालों की दुनिया पर किसी ने आकर के इनकलाब लिख दिया हो। पंजाब के इस फिरोजपुर में आते ही भगत सिंह के जज्बात जहन की परतों से निकल करके बाहर आने लगते हैं। ये इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है। कोई दम का मेहमान हो अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझना चाहता हूँ, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक फानी है रहे रहे न रहे। इस जमीन पर जिसमें भगत सिंह के फौलादी शरीर की राख मिली हुई है, यहाँ पर आकर मुझे भगत सिंह का सपना याद आ रहा है। और पास के शब्दों में कहें अगर तो हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह से हमारे बाजुओं में मछलियां हैं, जिस तरह से बैलों की पीठ पर उभरे हुए चाबुकों के निशान हैं, जिस तरह से कर्ज के कागजों में सिमटा और सिकुड़ा हमारा भविष्य है, हम जिंदगी, समाजवाद या और कुछ भी सचमुच का चाहते हैं, हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। हमारी आंखों के सामने शहादत मानो जिंदा खड़ी थी। हम देख रहे थे सीना ताने तीनों शहीदों की मूर्तियां, मानो अब भी मादरे वतन का नारा बुलंद कर रही। हम देख रहे थे शहादत की वो लौ जो हर आंधी में रोशन है। फिरोजपुर के हुसैनी वाला की इस जमीन पर भारत माता के सपूत सोए हुए हैं। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की प्रतिमाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। और ये प्रतिमाएं दरअसल प्रतिमाएं नहीं बल्कि एक विचार हैं, विचार जो कभी नहीं मरते हैं। इसके साथ ही इसी हुसैनी वाला की जमीन पर बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है, जो भगत सिंह के साथ ही लाहौर असेंबली में बम फेंकने के, बम धमाका करने के आरोपी थे, उनकी भी समाधि यहीं पर है। अंग्रेजों ने सोचा था कि यहां पर लाकर के इन शहीदों को सुला देंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, तो शायद ये शहादत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि शहादत मरती नहीं, क्योंकि शहादत एक विचार होता है और ये विचार हमारे जहन में किसी बारूद की तरह फटता है और वक्त की नसें भी झंझना उठती हैं। हुसैनी वाला आज सज रहा था, हुसैनी वाला आज संवर रहा था। शहीदों के इस गांव में मेले की तैयारी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं उस शहादत को नमन करने, जिसकी बदौलत वो आजाद हिंदुस्तान में जन्मे, देश के पहले प्रधानमंत्री बन पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मार्च को फिरोजपुर के हुसैनी वाला की इसी जमीन पर आ रहे हैं। ये वही जमीन है जहां पर शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। ये वही पवित्र धरती है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहां पर इन शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया था। सामने हम देख रहे हैं स्टेज की तैयारियां चल रही हैं, यहां पर स्टेज बनाया जा रहा है और उसके ठीक सामने लोगों के बैठने का बंदोबस्त किया गया है जो यहां पर मौजूद होंगे। हुसैनी वाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहद की लकीर भी उन शहीदों के सम्मान में मिट जाती है जो कुर्बान हुए थे
सिर्फ आजादी के लिए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी स्वराज के लिए। बूटों की थाप पर एक दूसरे को एहसास कराते कि वो शहीद न मेरे थे न तुम्हारे थे, वो तो हमारे थे। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद है, लेकिन शहीदों को सलाम दोनों तरफ से बराबर। भगत सिंह ने जहां पर आंखें खोली वो लायलपुर आज पाकिस्तान में है। भगत सिंह को जहां फांसी दी गई वो लाहौर भी आज पाकिस्तान में है। दरअसल यही सच्चाई है कि जो क्रांतिकारियों के विचार होते हैं वो किसी जमीन की सरहद को नहीं मानते हैं। ये बंटवारा तो हम करते हैं, ये तलखी तो हम फैलाते हैं, शहीदों के विचार किसी भी बंटवारे को स्वीकार नहीं करते हैं। शहीद एक इंकलाबी विचार के साथ जीता है और भगत सिंह इस इंकलाबी विचार का सबसे सशक्त उदाहरण है। हम फिरोजपुर के उस खटकर कला गांव में पहुंचे जहां शहीद भगत सिंह के पुरखे रहा करते थे। हिंदुस्तान का एक आम सा गांव, लेकिन पहचान बिल्कुल अलग। इसे शहीद भगत सिंह का गांव कहते हैं। उसे यह फिक्र है हरदम तर्जे जफा क्या है, तर्जे जफा यानी कि अन्याय की सीमा। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। भगत सिंह ने अपने छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह को अपनी फांसी के 20 दिन पहले यानी कि 3 मार्च को जो खत लिखा था उस खत में ये बात लिखी थी। और मैं इस वक्त भगत सिंह के इस पुश्तैनी घर में प्रवेश कर रहा हूँ और मेरे जहन में ये चल रहा है कि इस घर में जब जाऊंगा तो इस घर की ईंटों से, इस घर की दीवारों से, इस घर के ताखों से, इस घर की दराजों से, इस घर के दरख्तों से, इस घर के किवाड़ों से, इस घर की खिड़कियों से एक नहीं बल्कि बार बार पूछूंगा कि आखिर सितम की इंतहा का ये शौक कैसे पैदा होता है। वो बावड़ी जिसके पानी ने शहीद भगत सिंह के रगों में शहादत का लहू भरा था, वो आंगन जिसमें शहीद भगत सिंह की मां ने अपना आखिरी वक्त बिताया था, वो कमरा जिसके लिए भगत सिंह मानो कोई अपना ही हो। याद है इस कमरे बारे में हमको बताइए, और ये जो चक्की दिखाई पड़ रही है ये कब की चक्की है? ये चक्की काफी पुरानी है और माता जी इसको चलाते थे उस टाइम पर जब थे माता जी, तो ये काफी पुरानी है और यहीं पर अपना जैसे गेहूं से आटा बनाने का काम किया जाता था। इसकी अभी हिफाजत देखभाल कैसे करते हैं? इसका हिफाजत जी आरकोजी डिपार्टमेंट इसको कर रहा है। दीवारें खराब हो चुकी थी लेकिन उनमें शहीद का घर होने का गर्व साफ झलक रहा था। वो तब के छोटे मोटे सामान आज भी पूरी मजबूती से वहां रखे हुए थे। कहीं आजादी के आंदोलन का प्रतीक चरखा, कहीं बड़ी छोटी संदूक, कहीं सोने का बिस्तर, कहीं रसोई का सामान। ये भगत सिंह का पैतृक घर है। इस घर की दीवारें, इस घर के ये जो संदूकें हैं, इस घर के बक्से हैं, ये जो यहाँ पर एक छोटी सी चारपाई पड़ी हुई है, ये कुर्सी, ये सब चीजें भगत सिंह से जुड़ी हुई निशानियां इसलिए हैं क्योंकि उनकी माँ विद्यावती अपनी आखिरी सांस तक इसी घर में रही थी। ये सब निशानियां भगत सिंह की याद दिलाती हैं।